गाजा के राफा शहर से लेकर अलग अलग इलाकों में इजरायली फौज अब हांफने लगी है। इस बात की गवाही हमास के गाजा से आने वाले वीडियो दे रहे हैं। इन वीडियोस में साफ दिख रहा है कि पहले तो इजरायली सेना ने गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया और अब यही खंडहर उसकी कब्रगाह बन चुके हैं। और इन खंडहरों में कब कहां से हमास के लड़ाके निकलकर इजरायली सेना पर बमबारी और रॉकेटों से हमला कर दें, ये किसी को नहीं पता। गाजा के ये खंडहर इजरायली सेना के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बने हुए हैं, जिसका फायदा हमास को खूब मिल रहा है। इसके अलावा इस युद्ध की आग वेस्ट बैंक में भी भड़क चुकी है। दरअसल यहां पर जेनिन से सटे अल मुतुला गांव के करीब इजरायली सेना पर अल कासिम ब्रिगेड ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। अल कासिम ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अल कासिम के लड़ाके दूर बाड़े बंदी के करीब खड़े एक इजरायली सैन्य वाहन पर पहले तो घात लगाते हैं और इसी दौरान वहां से IDF के दो वाहन और गुजरते हैं और इनके गुजरने के दौरान ही अल कासिम के लड़ाके उस पर रॉकेट फायर कर देते हैं। इसके बाद एक गाड़ी से IDF के दो जवान वहां उतरते हैं और तभी हमास का लड़ाका एक और रॉकेट फायर कर देता है, जिसमें जोरदार धमाका होता है। और इस धमाके के बाद जहां पर हमास के लड़ाके तैनात रहते हैं, वहां पर IDF की एक गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है और इससे IDF के कुछ जवान उतरते हैं। ये जवान हमास के लड़ाकों की खोजबीन में लगे होते हैं, लेकिन उन्हें अल कासिम के लड़ाकों का कोई सुराग नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ गाजा के नेटजरी मैक्सिस में भी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा अलकुज ब्रिगेड ने इजरायली सेना पर एक बड़ा अटैक किया है। अलकुज ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अलकुज के लड़ाके IDF पर मोर्टर गोले और मिसाइलें फायर करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में दूर से इजरायली सेना के कुछ टैंक और वाहन नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर अलकुज के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं। और तभी इनमें से एक लड़ाका IDF के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट दागने लगता है, जो इजरायली वाहनों के करीब जाकर लगते हैं और यहां पर हुए धमाके से धुआं उठने लगता है।